नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता चौहान ग्रीन फूड मैजिक में आपका स्वागत करती हूँ। आज दोस्तों मैं मक्की की रोटी और सरसों का साग और तड़के वाली लस्सी बनाऊंगी, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हूँ कि बिना चकला बेलन के मक्की की रोटी कैसे बनाई जाती है। मैं बिना चकला बेलन के मक्की की रोटी हाथ से बनाऊँगी, पानी वाली रोटी, तो आप देखते जाइए मेरी वीडियो एंड तक। कि मैंने सरसों का साग, मेथी और पालक तीनों को काट कर मिक्स कर लिया धोकर। अब मैं इसको कुकर में साग को चढ़ाऊंगी। इस कुकर में हम सारा साग डाल देंगे। साग को डालेंगे इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि साग में से ही पानी निकलेगा, हरी सब्जी में से पानी निकलता है, इसलिए इसको मैं ये हमने सारा साग डाल दिया है कुकर में। अब इसमें हम ये अदरक डालेंगे। और ये हरी मिर्च डालेंगे। और नमक डालेंगे। और इसको कुकर को हम बंद कर देंगे। इसमें 8 सीटी लग जाएंगे। 8 सीटी लगाएंगे इसमें। देखिए अब हमारा साग गल गया है, अच्छी तरीके से गल गया है ये। अब हम इसको घोटा लगाएंगे, ऐसे घोटेंगे। और ये थोड़ा थोड़ा मक्की का आटा हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा मक्की का आटा ऐसे डालेंगे और फिर इसको ऐसे घोटेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने मक्की का आटा डाल के ये साग अच्छे से तरह से घोट लिया है। मैं मिक्सी में नहीं घोटती हूँ क्योंकि मुझे मिक्सी का पसंद नहीं है, मैं हाथ से ही घोटती हूँ, इसलिए मैंने ये साग घोट लिया है। इसमें मक्की का आटा डाला है इसलिए मैं अब 10 मिनट इसको पकाऊंगी क्योंकि मक्की का आटा जो है कच्चा ना रह जाए। 10 मिनट साग को और पकाऊंगी। अब हम साग में तड़का लगाएंगे। ये हमने तेल रख दिया है पकने के लिए, तेल गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें साग में तड़का लगाएंगे। हमारा तेल गर्म हो गया, मिर्च डालेंगे, ये लहसुन डालेंगे, अभी प्याज डालेंगे। और इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब इसको हम ब्राउन करेंगे। थोड़ा जीरा डालेंगे। प्याज ब्राउन हो गई है, मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है। अगर आप पसंद करते हैं टमाटर डालना तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, मुझे पसंद नहीं है टमाटर इसलिए मैं साग में टमाटर नहीं डालती। हमारा तड़का ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें साग डालूंगी। यह हमारा साग तैयार हो गया है। अब हम इसको ढक के रखेंगे और अब हम मक्की की रोटी बनाएंगे। अब हम मक्की की रोटी बनाएंगे। ये आटा लेंगे हम मक्की के आटे की रोटी के लिए।
अब हम इसको मक्की के आटे को गूंथेंगे पानी लेके। इस आटे को दोस्तों ऐसे गूंथा जाता है, ऐसे करके। जितना हम इसको गूंथेंगे उतना ही ये सॉफ्ट होएगा। हम इसको जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाएगा हम इसको ऐसे गूंथते रहेंगे। देखिए हमारा आटा ये गूंथ गया। मैंने इसमें ज़रा सा भी गेहूं का आटा मिक्स नहीं किया है। बहुत से लोग गेहूं का आटा मिक्स करके मक्की की रोटी बनाते हैं, ये प्योर मक्की का आटा है। मैंने कुछ नहीं मिक्स किया। अब मैं इसकी रोटी बनाऊंगी। देखिए मैं हाथ से रोटी बना रही हूँ, बिल्कुल चकला बेलन भी कुछ यूज नहीं किया है। देखिए हमारी एक रोटी बन गई है। अब मैं दूसरी रोटी बनाऊंगी। ये हमारी रोटी तैयार है मक्की की। अब हम लस्सी में तड़का लगाएंगे। देखिए एक चम्मच हम इसमें रिफाइंड डालेंगे। थोड़ा सा जीरा डालेंगे। थोड़ा लहसुन डालेंगे। ये हमारा छौंका तैयार हो गया।
ये हमारी तड़के वाली लस्सी तैयार हो गई है, तड़के वाली। ये देखिए